अस्सलाम गाइस, दिस इज सजाद अवान। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में जा रहा हूँ क्लॉक टावर में डिनर में। बेसिकली फैमिली के साथ ही जा रहा हूँ और मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रहा हूँ, उनके नेफ्यू वगैरह भी हैं साथ में। तो मैं चलता हूँ वहाँ पर, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ डिनर पर क्लॉक टावर पर, बस हो सकता है कोई मेन्यू में चेंजेस हो तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक नॉर्मल सी आउटिंग का ब्लॉग है, तो चलते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। और ये है मेरा नेफ्यू शायान नाम है इनका, और ये आज यहाँ पर आए हैं। भाई हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो। ये सारा आपने मैच किया हुआ है शायान। मामा कहाँ हैं? मामा अभी तैयार हो रही हैं? मामा नहीं आई अभी तक? आप रेडी हो? चलो। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं क्लॉक टावर में और चलते हैं अंदर। टाइमिंग्स हो चुकी हैं, ऊपर हो चुकी हैं और चलते हैं अंदर, लोकेशन चेक करते हैं। ऑलरेडी शेयर की भी है तो मेन्यू चेकते हैं कोई चेंजेस हैं कि नहीं है। सो गाइस अंदर की तरफ आ चुके हैं, बुफे लग चुका है, चलते हैं चेक करते हैं आइटम्स में कुछ चेंजेस हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ से प्लेट को पिक करते हैं और आइटम आपके साथ शेयर करते चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट काउंटर पर सॉसेज हैं लास्ट टाइम की तरह। नेक्स्ट यहाँ पर अचार रखे हुए हैं, डिफरेंट अचार हैं। नीचे क्यूकम्बर है, योगर्ट अवेलेबल है यहाँ पर, बारबेक्यू सॉसेज हैं, ग्रीन ऑलिव, मैक्रोनी, ये सारा सैलड का सेक्शन है बेसिकली। रश काफ़ी ज़्यादा है आज, तो यहाँ से मेन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड पर अवेलेबल है सूप, अवेलेबल है, ये है चिकन कॉर्न सूप अवेलेबल है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अफगानी पुलाव, फर्दर यहाँ पर है चिकन जिंजर। पहले मैं आइटम चेक कर लेता हूँ, देन कुछ सर्विंग करेंगे। पालक पनीर एंड मैश पोटैटो, ये मैश पोटैटो लेफ्ट साइड पर हैं, ये राइट साइड पर पालक पनीर है। फर्दर आगे चलें तो यहाँ पर है कड़ी एंड पकोड़ा एंड राइस, राइट साइड पे कड़ी पकोड़ा एंड लेफ्ट साइड पे राइस हैं। फर्दर आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर है हलीम, लेफ्ट साइड पे है हलीम है एंड राइट साइड पे आई थिंक चिकन का कोई सालन टाइप से है। फर्दर आगे चलते हैं तो लगाया तो यहाँ पर यह है बीफ निहारी का। नेक्स्ट आइटम जो है वो बीफ निहारी का है। एंड इसी से आगे चलें तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है पास्ता अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम पर चलें तो यहाँ पर है वाइट पास्ता, वाइट पास्ता अवेलेबल है। अगर आगे की तरफ चलें तो ये है ब्रेन मसाला, ये ब्रेन मसाला अवेलेबल है डिनर में। फर्दर आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर है मिक्स नान, मिक्स नान है। इसके आगे है मटन पाया, डिनर में सर्विंग है मटन पाया की। आगे चलें तो यहाँ पर है दाल एंड मिक्स वेजिटेबल, लेफ्ट साइड पे वेजिटेबल है, राइट साइड पे दाल है। आगे की तरफ चलें तो ये क्या है यहाँ पर, चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई है। इससे आगे है मटन कढ़ाई, नेक्स्ट आइटम है मटन कढ़ाई का। एंड इसके साथ यहाँ पर है चिकन बिरयानी, थैंक यू। एंड यहाँ पर है हॉट एंड सॉल्ट सूप अवेलेबल है डिनर में। रश काफ़ी ज़्यादा है, पीछे की तरफ चलते हैं तो ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया भी था, ये ड्रिंक काउंटर है जो आपको अपने टेबल पर ही ऑर्डर करनी पड़ेगी मेन्यू के थ्रू। इसके चार्जेस सेपरेट हैं बुफे से, बुफे के चार्जेस हैं 2240 हैं इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। आप यहाँ से चेक करते हैं तो ये है चिकन चाउमिन है, चिकन चाउमिन अवेलेबल है। इससे आगे है एग फ्राइड राइस है। फर्दर आगे की तरफ चले तो है चिकन शाश्लिक एंड चिकन चिली ड्राई, यह है चिकन चिली ड्राई लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर है चिकन शाश्लिक। पीछे की तरफ लाइव बारबेक्यू का सेशन चल रहा है इनका, इसमें प्राउन्स हैं, फ्राइज हैं एंड डिफरेंट बारबेक्यू के आइटम्स हैं। यहाँ पर सॉसेज अवेलेबल हैं, इसी के साथ यहाँ पर है फ्राइड फिश। फर्दर आगे की तरफ चलते हैं, वीकेंड है तो काफ़ी रश लगा हुआ है लोगों का, वीकेंड पे अमूमन बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल डे के मुकाबले में। तो देखते हैं आगे कंपेयर करते हैं, चलते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइटम यहाँ पर फ्राइड प्राउन्स अवेलेबल हैं,
आप इसी तरफ चले तो यहाँ पर है फ्राइज हैं, इसके आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर है सैलेड का सेक्शन है, सैलेड का नहीं बेसिकली सॉसेज हैं, वो राइट साइड पे शवारमा टाइप से उसका रखा हुआ है। फर्दर आगे चलें तो यहाँ पर हलवा पूरी का है, जो कि आई थिंक है पूरी है और हलवा है और पूरी जो है फ्राई की जाएगी एट द टाइम जब आप इसे खाने के लिए आएंगे। आलू तरकारी एंड चना है। सर आगे चलें ये क्या अवेलेबल है यहाँ पर? ये जनाब है चिकन सब्जी। चिकन सब्जी हाँ ठीक है, ये सब्जी का तो टेस्ट है, ये सब्जी अवेलेबल है। बढ़ते यहाँ पर है बार्बेक्यू है, मलाई बोटी है, फिश कबाब है, आगे है रेशमी कबाब है और चिकन स्पाइसी बोटी है। यहाँ पर एट द सेम टाइम आपको फ्रेश फ्रेश जो है ना सर्विंग की जाएगी। आगे की तरफ ये सॉस का काउंटर है। फर्दर इस तरफ चलें तो यहाँ पर जो है ना डिनर में आइसक्रीम भी सर्व की जाती है, क्योंकि आइसक्रीम के दो ही फ्लेवर थे या एक ही आई थिंक स्ट्रॉबेरी का है। यहाँ पर डिफरेंट है, मीठा अवेलेबल है, शुगर फ्री खीर, एग पुडिंग, शाही खीर है पीछे की तरफ, मक्खन पेड़ा। सो फाइनली फ्लैश ऑन कर लिया, फ्लैश बनता ये है लफे शेरी। यहाँ पर फ्रूट सैलेड है, पीछे की तरफ है पाइनएप्पल कस्टर्ड, वन बाइट पेस्ट्रीज हैं, यहाँ पर चॉकलेट मूज अवेलेबल है। इसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था और तकरीबन आई थिंक ये चीज़ जो है ना सर्दियों के हिसाब से जो है गाजर का हलवा, बाकी तो तकरीबन सब सेम ही है आइटम, फ्रूट्स वगैरह हैं। यहाँ पर चॉकलेट ब्राउनी है एंड यहाँ पर छोटे से बच्चे भी घूम रहे हैं एंड ये है गुलाब जामुन। ठीक है, थैंक यू। शाही टुकड़े हैं एंड वन बाइट पेस्ट्रीज हैं और चलते हैं अब कुछ जो है ना। गाइस मैंने तो चेक कर लिया, चलते हैं कुछ डालते हैं। सो गाइस दिस इज़ माय नेफ्यू, छोटू सा है, आवाज़ तो बात नहीं करेगा। सो फाइनली ये मैंने ऐड कर लिए हैं कुछ खाना और इसे टेस्ट करते हैं एंड देन छोटू से मुन्नू को भी टेस्ट कराते हैं। सो गाइस फूड एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, मज़ेदार जैसे कहते हैं वो मज़ेदार टेस्ट था। तो गाइस सीन कुछ इस तरह हो रहे हैं रात के टाइम के और चाय मैंने ऑर्डर की है, हाँ चाय मिल रहा है। गाइस डिनर एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत ही मज़े का टेस्ट था, बहुत ही अमेजिंग था। सो मैं फैमिली के साथ आया हूँ, स्पेशली अपनी सिस्टर को लेके आया हूँ। सो ये कोई से आई हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अमेजिंग था और सब कुछ अच्छा था, ऑल गुड ऑल गुड। कुवैत में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप कुवैत में कहाँ पर रहती हैं? हम कुवैत में रहते हैं अलजहरा में। आपकी आवाज़ इतनी लाइट क्यों निकल रही है? और ये इनका एक छोटू सा मुन्नू है, इधर देखो, हेलो करो। कराची में ठंड पड़ गई इसलिए हमारी आवाज़ भी कम हो गई। कराची में ठंड बढ़ गई और आपकी आवाज़ कम हो गई, तो कराची की ठंड आप बताओ कुवैत के हिसाब से कैसी है? कुवैत में तो बहुत एक्सट्रीम ठंड है, कुवैत में बहुत एक्सट्रीम ठंड है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तो टेम्परेचर 2 पे सेंटीग्रेड 2 पे चल रहा है, यहाँ तो आई डोंट नो कितना है लेकिन यहाँ फिर भी मुझे ठंड लग रही है। यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है तकरीबन 11 चल रहा है और कुवैत में इस वक्त 2 चल रहा है। तो गाइस अब चल रहे हैं आगे बच्चों के लिए, यहाँ पर जा रहे हैं हम चंकी मंकी की तरफ जा रहे हैं, उनको चंकी की मम्मी की तरफ से लेके जाते हैं, कुछ राइड्स वगैरह अगर ओपन हैं तो इनकी मम्मा को भी थोड़ी सी राइड दिलवाते हैं और छोटे से बच्चों को भी थोड़ी सी राइड दिलवाते हैं। मामा को नहीं, बच्चे तंग कर रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं ना, तो चलें आपको भी एक्सपीरियंस करवाते हैं। आपका काफ़ी टाइम बाद विजिट हुआ है, मामा ने क्या किया? मामा ने तो खा लिया खाना। आपने खा लिया? मामा ने एंजॉय कर लिया है। आपने एंजॉय कर लिया, चलो ठीक है चलते हैं। 11 बज गए, देखते हैं चंकी मंकी अगर ओपन है तो वहाँ चलते हैं, राइड्स वगैरह लेते हैं कुछ। चलते हैं सीधा चंकी मंकी की तरफ और चलते हैं देखते हैं चंकी मंकी ओपन है कि नहीं। One hour later. की मंकी तो बंद है, तो यहाँ पर आए हैं कुछ कॉफ़ी ट्राई करते हैं कॉस्मो पर, कॉफ़ी ट्राई करते हैं यहाँ पे इनकी। सो चंकी मंकी तो बंद है, बच्चों के लिए वहाँ नहीं जा सके तो यहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं एंड देन फिर ब्लॉग को देखते हैं एंड करते हैं। तो गाइस कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी पीते हैं और उसी के साथ साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे न्यू डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।